कि तूर को चन्नम्मा ने कैसे बचाया। अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर बोलते हैं ना, तो ब्रिटिशर ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಸಾಥಿ ಸಾಥ ಬಂದಿ ಬನ್ ಜಾನೆ ಕಾರಣ ಹೇನ ಬಂದಿ ಕೌನ್ ಬಂದಿ ಬನ್ ಗಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಜಿ ಜ ಬಂದಿ ಹೋಗಿ ತೋ ಅಂಗ್ರೇಜೋಕೆ ಹಾಥ್ ಮೇ ಕಿತ್ತೂರ್ ಚಲಾ ಗಯ ಫಿರ್ ದೇಖಿಯೇಗಾ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಜೈಸಿ ವೀರ್ ಮಹಿಳಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಗರ್ವ ಕಾ ಅನುಭವ ಕರ್ತಾ ಹೇ ತೋ ಹಮೇ ಭೀ ಐಸೆ ಗುಣ ಅಪ್ನಾನಿ ಚಾಹಿಯೆ अपनानी चाहिए। तो इसके बारे में हम इस पाठ में देखते हैं। अंदर चन्नम्मा देशभक्ति मत हे होराड़ तब राज्य उल्सकंड मत सेरे हिड़ा हे ब्रिटिशर राज्य तम वश के तक मत इंत महान महिल कारण नम देश गर्व व्यक्तपड़े अतक अंश ना नोड़ते समझ गए ना। इसमें आने वाले ये प्रमुख अंश हम इसमें देखते हैं। तो अब हम इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ में आए कुछ नए शब्दों को जानेंगे। नए शब्द है ना, शब्दार्थ में कुछ नए शब्दों का अर्थ हम यहाँ पे देखेंगे। तो फिर पहला जो यहाँ पे शब्द है वो मैं बताऊंगा, सत्ता। क्या है पहला शब्द? सत्ता। सत्ता यानी कि अधिकार। सत्ता अंतर अगर अर्थ ऐनो अधिकार। सत्ता का अर्थ है अधिकार। फिर दूसरा शब्द है लोलुप। क्या है वो? लोलुप। लोलुप का अर्थ है लोभी। क्या है वो? लोभी। लोलुप का अर्थ क्या है? लोभी। फिर तीसरा जो शब्द है वो है इकलौती। इकलौती का अर्थ है एकमात्र। एकमात्र इकलौती अर्थ है, हाँ इकलौती अर्थ में एकमात्र अर्थ एक एका। फिर चौथा है, चौथा जो शब्द है यहां पे आखेर। क्या है वो? आखेर। आखेर शब्द का अर्थ है शिकार। क्या है? शिकार। बेबे आखेर का अर्थ क्या है? शिकार। फिर पांचवा शब्द जवाहरात। क्या है? जवाहरात। जवाहरात का अर्थ है यहां पे रत्न मणि आदि। रत्न या मणि आदि है ना। फिर छठा शब्द है आगे शब्द ऐनो अंतंद्रे हौसला। क्या है वो? हौसला। हौसला हौसला शब्द का अर्थ है यहां पे साहस। साहस हौसला शब्द का अर्थ क्या है? साहस। का अगर भी हम क्या बोले हैं? साहसा। फिर सातवां शब्द है कोख। कोख कोख शब्द का अर्थ है गर्भ। गर्भ गर्भा अंतर। फिर आठवां शब्द है, आठवां शब्द हाँ इंटरनेशनल देव पटवर्धन। कौन है? पटवर्धन। पटवर्धन शब्द का अर्थ है एक राजा का नाम। एक राजा
एक राजा का नाम, एक राजा का नाम जो है वो है पटवर्धन। फिर नौवां शब्द है गद्दी, क्या है वो? गद्दी। गद्दी का अर्थ है सिंहासन, गद्दी का अर्थ क्या है? सिंहासन। गद्दी का अर्थ क्या है? सिंहासन, सिंहासना। फिर दसवां शब्द है, दसवां शब्द जो दिया गया है यहां पे वो है चाटुकार, चाटुकार। चाटुकार शब्द का अर्थ है यहां झूठी प्रशंसा करने वाले, झूठी सुडु, झूठी पकड़ो भंडल होते हैं, झूठी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करने वाले, करने वाले झूठी प्रशंसा जो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम चाटुकार कहते हैं, चाटुकार कहते हैं। और ग्यारहवां शब्द है, ग्यारहवां जो शब्द है यहाँ पे वो है पतन, पतन यानी कि विनाश। पतन का अर्थ क्या है? विनाश। पतन का अर्थ क्या है? विनाश। फिर ग्यारहवां हो गया, बारहवां शब्द है, बारहवां शब्द है हड़पना, क्या है वो? हड़पना, हड़पना यानी कि छीन लेना, कसीद को लो, छीन लेना, कसीद को लो, छीन लेना है। और फिर तेरहवां शब्द है, तेरहवां शब्द जो दिया गया अवसर, क्या है वो? अवसर, अवसर। कन्नड़ में अवसर का अर्थ अलग है लेकिन यहां अलग है। अवसर का अर्थ यहां पे मौका, क्या है वो? मौका। और चौदहवां शब्द है मौका, अंतर अवकाश। ठीक, गोद लेना, गोद लेना, गोद लेना का अर्थ है यहां पे दत्तक रूप में स्वीकार करना, दत्तक, दत्तक रूप में स्वीकार करना, दत्त तोड़ो, स्वीकार करना, दत्तक रूप में स्वीकार करना। ये इसमें आए कुछ प्रमुख शब्द जो थे मैंने आप लोगों ने हमें बताया। जैसे कि पहला क्या है? सत्ता, सत्ता यानी कि अधिकार। लोलुप का अर्थ है लोभी, लोलुप का अर्थ क्या है? लोभी। इकलौती शब्द का अर्थ है एकमात्र, वैसे ही आक्षेप का अर्थ है शिकार, आक्षेप का अर्थ क्या है? शिकार। जवाहरात का अर्थ है रत्न मणि आदि, रत्न मणि आदि है। हौसला का अर्थ है साहस, हौसला शब्द का अर्थ क्या है? साहस। कोख का अर्थ है गर्भ, कोख का अर्थ क्या है? गर्भ। पटवर्धन का अर्थ है एक राजा का नाम, पटवर्धन का नाम क्या है यहाँ पे? एक राजा का नाम। गद्दी का अर्थ है सिंहासन, गद्दी का अर्थ क्या है? सिंहासन। और चाटुकार का अर्थ है झूठी प्रशंसा करने वाले, जैसे मैंने कन्नड़ में बताया चाड़ी कोररु अथवा फगड़ भंडल, चाड़ी कोररु मतलब किता फगड़ भंडल सुन सुनने ये मतलब पांत्रे सुल्लु फगड़ के नमा कटनवरु। अब पतन का अर्थ है विनाश, पतन का अर्थ क्या है? विनाश। हड़पना यानी कि छीन लेना, हड़पना का अर्थ क्या है? छीन लेना, कसीद को तक कर रहे थे। अवसर का अर्थ है मौका, अवकाश। गोद लेना यानी कि दत्तक रूप में स्वीकार करना, गोद लेना अंतंद्रे न पांतंद्रे, दत्तक रूप में स्वीकार करना अंदर दत्त तोड़ता है दुवं थे। समझ में आ गए ना ये जो शब्द मैंने बताया, ये शब्द मेरा अर्थ आ गया। हाँ तो फिर
शब्दार्थों को हमने समझ लिया। अब देखिएगा मैं पाठ को पढ़ता हूँ, देखते जाइए आपकी किताबों में कि कैसे पाठ को पढ़ा जाता है ना। देखिएगा, वीरांगना चन्नम्मा, यह पाठ संकलित है। 18वीं शताब्दी में सत्ता लोलुप अंग्रेजों को नाकों चने चबाने वाली सर्वप्रथम भारतीय वीरांगना चन्नम्मा थी। चन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में सन 1778 में हुआ था। उनके पिता का नाम धुलप्पा देसाई और माता का नाम पद्मावती था। एक तो इकलौती, फिर रूपवती और स्वस्थ। चन्नम्मा शब्द का अर्थ ही है सुंदर महिला। उनकी शिक्षा दीक्षा राजकुल के अनुरूप ही हुई। घुड़सवारी, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, आखेट आदि युद्ध कलाएं उन्हें अपने वीर पिता से प्राप्त हुई। अपने जंगम गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। समझ गए ना? तो इस तरीके से पाठ को पढ़ा जाता है और आप भी इसको क्या करेंगे, अपनी किताबों में मौन रूप से पढ़ते जाएंगे, पढ़ेंगे ना। हाँ, तो फिर अब हम क्या करेंगे, इस पाठ का अर्थ अब हम यहां पे जाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, वीरांगना चन्नम्मा 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में सत्ता लोलुप अंग्रेजों को, सत्ता लोलुप, सत्ता में कहा अधिकार, लोलुप यानी कि लोभी, यानी कि अधिकार के लोभी जो थे, है ना, अधिकार बता, हाँ, दुरासे ना, उल्लंघन, लोभी लोग जो थे, कौन थे वो, अंग्रेज थे, कौन थे वो, हाँ, आंग्ल अथवा ब्रिटिश राज को नाकों चने चबाने वाली सर्वप्रथम भारतीय वीरांगना चन्नम्मा थी। सर्वप्रथम महिला जो को थी यहाँ पे भारत की, यानी कि अंग्रेजों को हमारे देश से हटाने वाली उस समय की वीरांगना थी, कौन थी वो, चन्नम्मा जी थी। और आगे तो चन्नम्मा, और आगे तो चन्नम्मा का जन्म एक काकतीय परिवार में हुआ, यानी कि काकतीय वंश में हुआ। इवर जन्म काकतीय वंश दल्ली आयु कब, 1778 में, 1778 इवर जन्म आयु। उनके पिता का नाम धुलप्पा देसाई, इनके पिता कौन थे, धुलप्पा देसाई पिता थे, धुलप्पा देसाई, धुलप्पा देसाई इनके पिता थे। और माता का नाम था पद्मावती, क्या था इनकी माता का नाम, पद्मावती, है ना, इनकी माता का नाम था पद्मावती। 1778 में धुलप्पा देसाई और पद्मावती दंपति की, दंपति को किसका जन्म हुआ, हाँ, दंपति के लिए एक बेटी वहां पे पैदा हुई, जो उसका नाम रखा गया था, क्या है, चन्नम्मा। तो यहां बताते हैं कि ये इकलौती थी और रूपवती और स्वस्थ, देखने में भी बहुत सुंदर थी, है ना, इकलौती थी, एक ही का मगर उपड़े हो गए मगर इतना करते हैं तो। और सुंदर का अर्थ इसी से पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे लिखा गया है चन्नम्मा। ये चन्नम्मा अंत करता ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ। चन्नम्मा जो शब्द है उसका अर्थ क्या है यहाँ पे, सुंदर महिला। क्या है चन्नम्मा का अर्थ, सुंदर महिला। उनकी शिक्षा दीक्षा राजकुल के अनुरूप ही हुई। ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ರಾಜಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತಕಂತಹದ್ದು ನೆರವೇರಿದೆ। ಘುಡಸವಾರಿ, ಘುಡಸವಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಹೇ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ, ಆಖೇ
आक्षेप को मैंने क्या बताया यहाँ पे, है ना, आक्षेप का अर्थ है शिकार, आक्षेप का अर्थ क्या है शिकार, बेटे अर्थ करता है तू, आदि युद्ध कलाए इन मुंतद युद्ध कले अपने वीर पिता के पिता से प्राप्त हुई, तन्ना वीर धैर्य वीर शूरर ते धुलप देसाई अवेलूर कल कौन कौन से, हाँ कौन कौन सी कलाएं सीखी थी उन्होंने, घुड़सवारी, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, आखेट, आखेट का अर्थ मैंने बताया क्या है वो शिकारी, शिकार करना, है ना, ये सब उनके वीर पिताजी से उन्होंने सीखा था। अपने जंगम गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। अपने जंगम गुरु, उनके एक गुरु थे जंगम गुरु, उन गुरु से इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं सीखी, उर्दू सीखा, मराठी सीखा और साथ ही साथ संस्कृत भाषा इन्होंने अध्ययन किया। तीन भाषाओं का उन्होंने अपने जंगम गुरु से अध्ययन किया था, वो कौन कौन सी थी, उर्दू थी, मराठी थी और एक संस्कृत, और एक संस्कृत भाषाओं को उन्होंने सीखा था। अंदर तन्ना जंगम गुरु इवर ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉರ್ದು ಭಾಷೆ, ಮರಾಠಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಂಡರು। ಕಿತ್ತೂರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇ ಹೇ, ಕಿತ್ತೂರು ಕಹಾ ಹೇ ಉತ್ತರ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇ, ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ। उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। उन दिनों जब अंग्रेज हमारे हमारे ऊपर अधिकार जब कर रहे थे, अधिकार चला रहे थे, उस समय कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र क्या था, कित्तूर था। कित्तूर आवाग कर्नाटकದಲ್ಲಿ प्रसिद्ध व्यापार ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇತ್ತು। देश विदेश के व्यापारी वहां के बाजारों में हीरे जवाहरात खरीदने के लिए आया करते थे। देखिएगा, देश विदेश के व्यापारी, देश विदेश के व्यापारी ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ हमारे कर्नाटक में आते थे, कर्नाटक को आते थे, आकर यहाँ के बाजारों में, यहाँ के बाजारों में इलिया मारुकट्टे ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀರೆ ಜವಾಹರಾತ್, ಜವಾಹರಾತ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಬತಾಯಾ ಯಹಾ ಪೆ ಹೈ ನಾ, ಜವಾಹರಾತ್ ರತ್ನ ಮಣಿ ಆದಿ ಹೈ, ಹೀರೆ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೈ ಯಹಾ ಪೆ ವಜ್ರ, ವಜ್ರ ರತ್ನ ಮಣಿ ವೈಢೂರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಾರಾಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ಅದನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ। ಕಿತ್ತೂರು जो प्लेस है वहां पे वो आया करते थे। फिर देखिएगा, ऐसे प्रसिद्ध राज्य के प्रजावत्सल राजा मल्लसर्ज थे। तो उस समय कित्तूर के राजा कौन थे, ऐसा जो समृद्ध राज्य था, इस राज्य के राजा थे उस समय प्रजावत्सल, है ना, हाँ प्रजा से अधिक प्रेम करने वाले राजा थे मल्लसर्ज। कौन थे वो, मल्लसर्ज। कहाँ के राजा थे मल्लसर्ज, कित्तूर के राजा थे। फिर देखिएगा, चन्नम्मा के माता पिता ने बड़े हौसले से उनका विवाह राजा मल्लसर्ज के साथ कर दिया, है ना, चन्नम्मा के माता पिता, चन्नम्मा अवर तंदे ताई ये मर्दे बड़े हौसले, हौसला यानी कि साहस, बड़े साहस के साथ उन्होंने किसका विवाह, चन्नम्मा जी का विवाह राजा मल्लसर्ज से कर दिया। ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಸಜ್ಜ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚನ್ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಫಿರ್ ದೇಖಿಯಾಗಿ, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರ್ ಕೆ ರಾಜಮಹಲ್ ಮೇ ಸುಖ ಸೇ ರಹನೆ ಲಗಿ। ಅಬ್ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಜೊ ಹೇ ಕಿತ್ತೂರ್ ರಾಜ್ಯ ಮೇ, ಹೈ ನಾ, ಕಿತ್ತೂರ್ ರಾಜ್ಯ ಮೇ ವೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ಲಗಿ, ಖುಷಿ ಸೇ ಯಾನಿ ಕಿ ಸುಖ ಕೆ ಸಾಥ್ ವಹಾಂ ಪೆ ರಹನೆ ಲಗಿ, ತುಂಬಾ ಸುಖದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು। उनकी कोख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, ಅವರ ಗರ್ಭದಿಂದ ಏನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು, ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮವಾಗುತ್ತೆ, ಜಿಸ್ಕಾ ನಾಮ ಥಾ
शिव बसवराज। इनके बेटे का नाम क्या था? शिव बसवराज। शिव बसवराज। कौन है शिव बसवराज? शिव बसवराज कौन है? राजा मल्लसेज और रानी चन्नम्मा जी का बेटा था। अलवा राजा मल्लसेज मत चन्नम्मा और मगु यारू शिव बसवराज आगिद्दरु, है ना। लेकिन बचपन में ही उसकी मृत्यु हो गई। दुरादृष्टवशात अवर मगु बाल्यदले तीर्कोंडितु। राजा मल्लसेज की पहली पत्नी थी रुद्रम्मा। राजा मल्लसेज को इससे पहले उनकी एक और एक पत्नी थी, उनका नाम क्या था? रुद्रम्मा। तो मल्लसेज की कितनी बीवियां हैं, है ना? हाँ, कौन है यहाँ पे? रुद्रम्मा। इनकी पहली बीवी का नाम था रुद्रम्मा और दूसरी कौन है? चन्नम्मा। हाँ, तो देखिएगा, राजा मल्लसेज की पहली पत्नी थी रुद्रम्मा। तो पूना के पटवर्धन ने मल्लसेज को चालाकी से बंदी बना लिया। अब देखिएगा, पूना के पटवर्धन ने, पूना पूना के एक राजा का नाम था, क्या है वो? पटवर्धन। क्या है? पटवर्धन। उन्होंने इसने यानी कि पटवर्धन ने क्या कर दिया, बड़ी चालाकी के साथ मल्लसेज को बंदी बना दिया। मल्लसेज ना बंदी है ना यौनो मार पड़ता नहीं। फिर वही उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? जहाँ उनको बंदी बनाया गया था वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। अंदरे इप्मगो यालिया पूना द राजना इतना कंधा हाँ यारो पटवर्धन यारिगे मल्लसेज अवरन्ना तुम्बा चाणाक्ष ತನದಿಂದಾ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅವರ ಸಾವು ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಮಲ್ಲಸರ್ಜ್ ಕಿ ಮೃತ್ಯು ಕೆ ಬಾದ ಚನ್ನಮ್ಮನೆ ರುದ್ರಮ್ಮ ಕೆ ಪುತ್ರ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರಸರ್ಜ್ ಏ ಕಿಸ್ಕ ಬೇಟಾ ಏ ಏ ಚನ್ನಮ್ಮ ಜಿ ಕೆ ಬೇಟೆ ನೀ ಹೈ ನಾ ಆಪ್ ಬತಾತೆ ಹೈ ಯಹಾಂ ಪೆ ರುದ್ರಮ್ಮ ಜಿ ಕೋ ಭಿ ಏಕ ಬೇಟಾ ಥಾ ಉನ್ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಥಾ ಯಹಾಂ ಪೆ ಹಾಂ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರಸರ್ಜ್ शिवलिंग माफ कीजिएगा शिवलिंग रुद्रसर्ज ये है इसके बेटे ही है। रुद्रम्मा जी के बेटे हैं शिवलिंग रुद्रसर्ज। तो उनको यहाँ पे गद्दी पर बिठाया गया। अंदरे मल्लसर्ज और निधन नंतर ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ मल्लसर्ज और ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರುದ್ರಮ್ಮ ಅವರ ಮಗ ಯಾರು ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರಸರ್ಜನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಲಾಯಿತು। ಗದ್ದಿ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಸಿಂಹಾಸನ। ಜಯ ಗೋವಾ ಕೆ ಮಾಫ್ ಕೀಜಿಯೇಗಾ जब पूना के पटवर्धन ने चालाकी के साथ मल्लसेज को बंदी बनाया और बंदी बनने के बाद इनकी मृत्यु वहीं पे हो गई। वहां उनकी मृत्यु होने के बाद चन्नम्मा जी ने ऐसा किया, रुद्रम्मा जी के जो बेटे थे शिवलिंग रुद्रसर्ज उनको गद्दी पर बिठा दिया। इनको गद्दी पर बिठाया। बिठाने के बाद देखिएगा, शिवलिंग रुद्रसर्ज ने चन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर हाँ चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली। शिवलिंग रुद्रसर्ज जो है, शिवलिंग रुद्रसर्ज ये मानते कि चन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर चन्नम्मा और हेतकंठ सलहेगळन्ना गाड़ियली दूर बिटा, गाड़ियली दूर बिटे मानते चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली। चाटुकोर है ना, तो मैंने यहाँ पे बताया चाटुकोर का अर्थ क्या है? झूठी प्रशंसा करने वाले जो लोग थे, होगड़ भट्टरू जो बोलते हैं, तो उनसे मित्रता कर ली। और जो ऐनना स्नेहवना बेसिद्रु जिससे कित्तूर का पतन शुरू हुआ। वहां से कित्तूर राज्य का पतन शुरू हुआ। अल्लिंद कित्तूर राज्य अवनति अंत आरंभ आता।
आपका बंधु है ना। फिर देखिएगा राजा शिवलिंग रुद्रसर जी की मृत्यु 11 सितंबर 1824 को हुई। राजा शिवलिंग रुद्रसर जी की मृत्यु, अब क्या हो गया, राजा शिवलिंग रुद्रसर जी जो है उनकी भी मृत्यु हो गई, और कूड़ा निधन रखते रहे क्या 11 सितंबर 1824 इसे अंग्रेजों ने कितूर राज्य को हड़पने का बड़ा अच्छा अवसर समझा। ऐसे ही अवसर को है ना, ऐसे ही समय का इंतजार कर रहे थे कौन, ऐसे ही समय का समय की प्रतीक्षा कर रहे थे अंग्रेज, तो उन्हें अच्छा अब ऐसा सुअवसर उन्हें मिल गया। क्यों, किसलिए, कितूर राज्य को हड़पने के लिए, कितूर राज्य ना वशपड़स्कोळ्ळिक्के अवरिगे ओंदु उत्तम अवकाश सिक्तु। राजा निसंतान मरा था, राजा कौन थे, शिवलिंग रुद्रसत्त जो थे, इनको कोई औलाद नहीं थी, इवरिगे मक्कळु इरलिल्ल। उसने अपने एक संबंधी शिव गुरुलिंग मल्लसज्ज को गोद लिया था। इन्होंने क्या किया था, हाँ, राजा निसंतान मरने के कारण उसने अपने एक संबंधी से और ओबा और संबंधी कर लगा दूर आगे के कहना गुरुलिंग मल्लसज्ज, कौन है वो, गुरुलिंग मल्लसज्ज, गुरुलिंग मल्लसज्ज, गुरुलिंग मल्लसज्ज जो है उनको इन्होंने दत्तक लिया था, इनकी गोद लिया था, और ये हो रहे मणिद्रो दत्तवन तेगेकोंडिद्रु, लेकिन अंग्रेज गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे है ना, लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, गोद लिए हुए पुत्र को अंदर दत्तक तगोंडिरतक्कंतह दत्तकोंडिरतक्कंतह मंत्रिगे उत्तराधिकारियागि अवरु स्वीकार माड्ता इरलिल्ल। उस समय डाल हौसी गवर्नर जनरल थे, उस समय हमारे जो कर्नाटक राज्य कितूर के, जब कितूर या कर्नाटक में कौन थे, यहाँ पे गवर्नर डाल हौसी, डाल हौसी दत्त मक्कल के हकीला अंतकंत वो समाज विज्ञान केदीरलवा, हाँ, तो फिर ऐसे अवसर पर रानी चन्नम्मा ने कितूर राज्य को संभाल कर रक्षा करने की कसम खाई। ऐसे समय में जबकि अंग्रेजों ने दत्तक स्वीकार, जैसे दत्तक लिया हुआ, गोद लिया हुआ बच्चा जो है उसे अधिकार पर यानी कि अधिकार देने से वो मना करते हैं, तो उस समय स्वयं चन्नम्मा जी ने वहां पे क्या करना, कितूर राज्य का राज्य को संभालने की या उसकी रक्षा करने का बीड़ा, यानी कि रक्षा करने की बीड़ा उन्होंने वहां पे उठाई और कसम खाली कि मैं उसकी रक्षा करूंगी। ಮಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ದತ್ತಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಅಂಗ್ರೇಜಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಂ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲಿ ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಮಜ್ಗೇನಾ ಕೇ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಈ ಪಾಠವೇ ಕೈಸೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಜಿ बचपन से लेकर अब क्या हो गया, वो कितूर राज्य की, हाँ, क्या उठा रही है, कितूर राज्य को बचाने की पीड़ा वो यहाँ पे उठा रही है ना। तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि कैसे चन्नम्मा जी जन्म लेने के बाद उनके माता पिता के पास पली बढ़ी, पली बढ़ने के बाद फिर क्या हो गया, मल्लसज्ज जी से उनका विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद उन्होंने कौन कौन से मुश्किलों का सामना किया, और उसके बाद वो कैसे राज्य को संभालती है, वहाँ तक हमने यहाँ पे देखा, अब कैसे वो संभालती है राज्य को इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिर अब इस पाठ से संबंधित जो कुछ व्याकरण यहाँ पे है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अन्य लिंग शब्द लिखिए, अन्य लिंग रूप है ना, अन्य लिंग रूप, अन्य
अन्य बिंदुओं को आपको लिखना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताता हूं। इधर देखिएगा, यहां पे जो मैं बता रहा हूं, यहां देखिए इसमें पांच शब्द लिखे गए हैं। कितने शब्द हैं यहां पे? पांच शब्द हैं। पहला है कवि, लेखक, युवक, बालक और मोर। कितने शब्द हो गए? हाँ, कौन सा है पहला? कवि। पहला कौन सा है? कवि। दूसरा क्या है? लेखक। तीसरा युवक और चौथा बालक। पांचवा जो है मोर। इस तरीके से पांच शब्द यहां पे दिए गए हैं। इन पांचों शब्दों के हमें क्या लिखना है? अन्य लिंग रूप। तो कवि कौन सा लिंग है? कवि अन्य क्या बोलेगा? पुल्लिंग। लेखक ये भी पुल्लिंग है। युवक ये भी पुल्लिंग है। बालक यह भी पुल्लिंग है। मोर ये भी पुल्लिंग है। तो ये सारे पुल्लिंग शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। तो अन्य लिंग रूप हो गए यहाँ पे, स्त्रीलिंग रूप हमें इनके लिखने हैं। तो कवि के लिए अन्य लिंग रूप क्या है? कवि के लिए क्या है? हाँ, कवि के लिए हम लिखेंगे, अब देखिएगा, एक 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 करके मैं यहाँ पे इसको खोलता हूँ। हाँ, ये है ना, कवि जो शब्द है उसके लिए कवयित्री। कवि के लिए क्या है यहां जो दिया गया, देखिएगा अन्य लिंग रूप लिखना है कवि कवयित्री। समझ रहे ना? अब दूसरा जो मैंने बताया शब्द क्या है, वो लेख है। दूसरा शब्द क्या है? लेख है। लेखक के लिए क्या लिखा? लेखिका। अब तीसरा क्या था? युवक। तीसरा शब्द क्या है? युवक। इसके लिए स्त्रीलिंग रूप युवती। अब बचा कौन सा? बालक। बालक के लिए कन्नड़ में हम बालक ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बालक ही नहीं बोलते, बालिका। क्या कहेंगे? बालिका कहकर बोलेंगे। फिर बाद में देखिएगा मोर। मोर का अर्थ है गंड नबिल, है ना? गंड नबिल को हम क्या कहते हैं? मोरनी। क्या कहेंगे उसको? मोरनी कहते हैं। तो ये है अन्य लिंग रूप बदलने का, जैसे कि मैंने यहाँ पे तालिका बनाई है ना? तो आप भी इस तरीके से तालिका बनाकर लाएंगे। और मैं ये जो शब्द मैंने यहाँ पे दिखाया है, समझ रहे हैं आप लोग? दिखाई दे रहा है? हाँ, रुक नहीं पा रहे हैं, देखिएगा, है ना? इस तरीके से आप ही जो हाँ फेंके हुए जो बक्से होते हैं पुराने घरों में, उससे इस तरीके से आप ही बनाकर उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना? इस तरीके से आपको बनाकर लाना है। हाँ, अब देखिएगा क्या बताया मैंने। हाँ, कुछ शब्द जो थे उनके शब्दों का जो स्त्रीलिंग रूप कैसे लिखा जाता है उसको मैंने बताया। अब यहाँ पे आपके पाठ में आए हुए जो शब्द हैं मैं एक एक करके यहाँ पे लिखता हूँ। पहला जो शब्द है वो है पिता। क्या है वो? पिता। दूसरा शब्द है रानी। दूसरा शब्द क्या है? रानी। तीसरा है मूरय शब्द पुत्री। पुत्री
चौथा जो है बा बा, पांचवा दादा, पांचवा क्या है दादा, छठवा है शेरनी, शेरनी है ना। ये जो शब्द यहां पे दिए गए इनके हमें अन्य लिंग रूप लिखना है। क्या कहना है इन्हें, इनके अन्य लिंग रूप हमें लिखना है। जैसे कि पहले हमें देखना है जो शब्द दिया गया है वो कौन से लिंग में है। पिता है ना, यहां शब्द है पुल्लिंग शब्द अल्वा, पिता माता, पिता के लिए क्या लिखेंगे माता। रानी जो है ये स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग रूप क्या है, हाँ रानी, राजा, पुत्री ये भी स्त्रीलिंग है, इसका हाँ इसका कौन सा रूप लिखना है पुल्लिंग रूप पुत्र। अब यहां पे बाप है, बाप है कितने, हाँ मां क्या है वो मां लिखना है मां। दादा, दादा का अर्थ है अज्जा, दादा का अर्थ ये है पिता के पिता को दादा बोलते हैं, पिता के पिता को दादा, पिता की माता को दादी है ना। तो यहां पे लिखेंगे दादी दादी। अब बच्चा शेरनी स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग रूप है शेर, क्या है शेर। इस तरीके से हमने यहां पर लिखेगा पिता शब्द का अन्य लिंग रूप है माता, रानी का राजा, पुत्री पुत्र, बाप मां, दादा दादी, शेरनी शेर। इस तरीके से हमने यहां पर क्या कर दिया, ये जो शब्द जो थे, जो शब्द यहाँ पे दिए गए थे उन शब्दों का हमने अन्य लिंग रूप अंदर अवगण अन्य लिंग रूप मिली बंदी देवे। मैं गृह कार्य के रूप में आपको कार्य जो दे रहा हूं वो कुछ अलग सा है। जैसे कि गृह कार्य क्या कहना है, ये जो शब्द ऊपर जो दिए गए हैं इनकी तालिका बनाकर लाना है। ऊपर लिखे शब्दों की तालिका बनाई थी ना। ऊपर लिखे कि ये शब्द जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया हाँ, वैसी तालिका आप लोगों को भी बनाकर लानी है। यार ये ಒಂದು चार पेपर लिख ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು। तो फिर हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।